दोस्तों आज आईटी सेक्टर की जबरदस्त कंपनी इंफोसिस ने अपने इस क्वार्टर के नतीजों को जनता के सामने पेश किया है इसके साथ साथ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के लिए सोलह दशमलव पांच शून्य पर एक्विटी शेयर का डिविडेंड भी पेश किया है दोस्तों डिविडेंड के अलावा इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ओपन मार्केट से अपने शेयर्स के बाई बैक की भी घोषणा की है इस बायबैक की वैल्यू 9,300 करोड़ रखी हुई है और जिस प्राइस पर शेयर खरीदे जाएंगे वह कीमत कंपनी ने अठारह रुपए पर एक्विटी शेयर तय की है दोस्तों इस कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुका है अभी इस नतीजों के बाद देखने वाली बात है यह शेयर कैसे रिएक्ट करता है दोस्तों इस बार कंपनी का इनकम पिछले साल के मुकाबले छब्बीस हजार से इक्रीज होकर अभी बत्तीस हजार के ऊपर हो गई है यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें इनकम में ग्रोथ दिख रही है और क्वार्टरली बेसिस पर भी इनकम में बढ़त दिखाई दे रही है अगर कंपनी के खर्चे की बात करें तो इस बार खर्चा क्वार्टरली बेसिस के साथ साथ ईयरली बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ है दोस्तों महंगाई इंक्रीज होने से इस कंपनी का एक्सपेंसिस इंक्रीज होना आम बात है जो की नतीजों में साफ साफ दिखाई दे रहा है अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट एयरली बेसिस के साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ है यह इस कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी अच्छी बात है इसके साथ ही ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 11 से इंक्रीज होकर 14 हो चुका है दोस्तों अभी कल देखने वाली बात है कि इस बार के नतीजों को मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है दोस्तों आपको क्या लगता है कल इस शेयर में तेजी होगी या मंदी कमेंट में जरूर बताना